अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे मक्की यानी कि मेज़, और आपको बताएंगे कि मेज़ को किस तरह से उगाना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या क्या मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। नंबर एक, तो मक्की उगाने से आपको इसका ज़र मुबादला आप इससे कमा सकते हैं, यानी कि आप अच्छी तरह से इससे ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपके जानवर वगैरह हों तो आप उनके लिए इसको बतौर चारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक ये कि बतौर चारा, और दूसरे नंबर पे उसका जो बीज वगैरह होगा वो आप फरोख्त करके ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। इस तरह मक्की के काफ़ी फ़ायदे हैं और इसके इसको काश्त करना चाहिए। आजकल तो वैसे ही काफ़ी हाइब्रिड, क्योंकि टेक्निकल दौर है और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली, इसलिए काफ़ी जो बीज हैं वो न्यू आ चुके हैं यहाँ पे मार्केटों में, और उनसे पैदावार में काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाती है पैदावार। इसलिए ऐसे बीजों को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हाइब्रिड हों और उनकी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा पैदावार उनसे हासिल की जा सके। अभी हम जो आपको किस्म दिखाने वाले हैं मक्की की, वो उसका नाम है नर्मदा। आइए आपको दिखाते हैं जी, नर्मदा भी काफ़ी हद तक पैदावार में अच्छा साबित होता है। आपको दिखाते हैं जी नर्मदा किस तरह से होता है और इसकी फसल किस तरह से होती है। आइए जी आपको दिखाते हैं, ये आपके सामने है जी नर्मदा की फसल। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो के सिट्टे वाला है, ये नर है और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये आप सिट्टा के बगैर है वो है मादा। इस तरह पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा नर और मादा। अभी आपको दिखाते हैं जी नर की छल्ली, ये आप देख सकते हैं जी इस तरह से नर की छल्ली होती है, ये आप देख सकते हैं। आपको इसको खोल कर दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। ये देख और इधर आपको दिखाते हैं जी इसको खोल कर किस तरह से होती है, ये आप देख सकते हैं जी। इसको खोलने पे ये देख इस तरह से ये अभी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये देख ये काफ़ी हद तक अभी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें ये दूध है, ये देख सकते हैं। और जल्द ही तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी और आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सी किस्में हैं जो कि पैदावार में काफ़ी अच्छी हैं, जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए और इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए।